मैं अभी प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो नहीं, पर कोशिश करने में हर्ज भी नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज हम तुलसी कुमार को बनाएंगे, तो आज की वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना, ताकि आपको मेरी ऐसी और वीडियोज़ आगे मिलती रहे। आईब्रोज को बहुत ही लाइटली हमें शेड करना है, इसलिए आप बहुत ही हल्के हल्के से इसमें स्ट्रोक्स लगाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं चारकोल पेंसिल का यूज आईब्रोज को हाईलाइट करने के लिए कर रहा हूँ, तो आप भी उसी टेक्निक को फॉलो करना, इससे आपकी ड्राइंग थोड़ी सी और रियलिस्टिक लग सकती है। आप हमेशा आउटलाइन के लिए लेड पेंसिल या फिर मैकेनिक पेंसिल का यूज़ करें, क्योंकि इससे आपकी ड्राइंग बहुत ही नीट दिखती है और इसे आसानी से भी इरेज भी किया जा सकता है। दोस्तों, हम जब भी लिप्स बनाते हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि हमें एक से एक चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसलिए आप पहले तो, जैसे मैं अभी लाइट से कर रहा हूँ, वैसे आप भी लाइट से ही करना। सारी चीज़ें आप पहले लाइट से किया करिए, इससे आपकी मिस्टेक्स बहुत ही ज़्यादा कम होंगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने पोर्ट्रेट को और रियलिस्टिक बनाने के लिए स्किन टोन को मतलब शेड कर रहा हूँ, इससे आपकी ड्राइंग और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी, तो आप भी ये ट्राई करना। Thank you.
दोस्तों आप शेड करने के लिए ग्रेफाइट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको खरीद भी सकते हैं या फिर अपने घर में भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आगे की वीडियो आप एंजॉय करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।